Narayan, 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 Naray
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंता चालू त्रिपुरा वेदांत पारगम राम कृष्णादि सर्वत्र विश्वक्षेन मुनि भजे परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटिशः नमन भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव जैसे अभी आप लोग इस परमरम में स्थल पर आप बैठे हुए हैं ठीक इसी प्रकार महर्षि वेद व्यास महाराज के पावन आश्रम पर एक बार बहुत से महापुरुषों का आगमन हुआ। सभी लोग के एकमात्र मन में एक ही कामना थी मानव का कल्याण कैसे हो। इस दुनिया में जो कुछ भी धर्म ग्रंथ हो पूजा हो पाठ हो यज्ञ हो दान हो तीर्थ हो सबका एकमात्र अगर उद्देश्य कहीं है मानव का कल्याण और किसी के कल्याण की बात नहीं होती है। एक महापुरुष ने झारखंड में पूछा अभी कुछ दिन पहले मैं था काका में जब था और राशि में पूछा महाराज जी जितने भी ग्रंथ हैं किताब हैं पुस्तक हैं यज्ञ हैं पूजा है पाठ है ये मनुष्य के बारे में क्यों बताए गए और किसी जोनियों के बारे में नहीं बताए गए। मैंने निवेदन किया देखिए मनुष्य सृष्टि का वह एक अपने आप में स्थिति है सृष्टि का वह एक प्रतीक है सृष्टि का वह एक स्टेटस है सृष्टि का वह एक आधार है जिसके द्वारा डिमोशन और प्रमोशन दोनों प्राप्त किया जाता है। मनुष्य शरीर को अगर सही माने में हमने संवार लिया सजा लिया तो हम अपने आप में प्रमोशन में अगर कहीं अपने आप में इस मानव शरीर को कहीं नहीं सजाया तो पुनः अपने आप में अनेक प्रकार से पुनरपि जन्म पुनरपि मर एक व्यवहारिक उदाहरण लेकर के तो आगे में बढ़ जाऊंगा। एक बार एक अंधा आदमी दोनों नेत्र से दिखाई नहीं पड़ती थी अचानक एक किसी अपने आप में हाल में चले गए और कहे भाई हम अपने आप में हॉल में जाकर के प्रवेश करना चाहते हैं। लोगों ने इशारा कर दिया महाराज इस द्वार से चले गए मैं जा तो रहा हूँ कैसे जाऊंगा तो लोगों ने कहा कि जो हार का अपने आप में जो दीवार है उसको पकड़ करके अपने आप में आप घूम लीजिए कि मैं घूम कर लूंगा लेकिन बाहर कैसे निकलूंगा। लोगों ने कहा महाराज जहां पर दीवार का अभाव होगा समझिए कि वही द्वार है उसी से बाहर निकल जाए क्या कि दीवार को पकड़ करके धीरे धीरे जाने लगे जाते 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 जे ही अपने आप में द्वार आई अचानक उनके सिर में खुजली हुई और सिर में जब खुजली हुई तो दोनों हाथों से सिर को खुजलाने लगे अपनी यात्रा तो करते रहे उसी में द्वार छूट गया पुनः आगे से घूमने लगे। यही हाल हमारी भी है यही हाल हमारी है भले हम लोग को नेत्र है एक शास्त्र का संस्कृति का नेत्र हमारा ये संसारिक वासनाओं के कारण अपने आप में बंद हो जाता है। इसलिए इन शास्त्रों द्वारा इन धर्मों द्वारा इन धर्मों द्वारा इन पूजा पाठ भोग इत्यादि के द्वारा चलिए ठीक है फिर दर्शन हो रहा है क्या कथा की कथा की चलिए छोड़िए बहुत लेट होगा जाने में अब तो दुर्भाग्य हाँ दुर्भाग्य
भगवान की जय। होती रहती है भेंट मुलाकात हो गया सबसे अपने आप में, चलिए कोई बात नहीं।